नमस्कार बच्चों। बच्चों, आप सबने कौवा तो देखा ही होगा और कौवे की कहानी भी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी, जिसमें एक मटके में थोड़ा सा पानी रहता है और कौवा बड़ी चतुराई से उसमें कंकड़ डाल के पानी ऊपर ले आता है और पानी पी लेता है। और बच्चों, कौवे की आवाज़ कर्कश भी होती है और आप सबने हंस भी देखा होगा पुस्तकों में। तो बच्चों, हंस जो है बहुत शांत होता है और कहते हैं कि हंस पानी में दूध को अलग करके सिर्फ दूध को ही पीता है। इस पाठ में एक घमंडी कौवे और हंस की कहानी है। घमंडी का अर्थ होता है अभिमानी या अपने को ज़्यादा महत्व देना। आपने सुना ही होगा घमंडी का सिर नीचा कहावत, जो हमें सिखाती है कि हम कभी घमंड ना करें और ना ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करें, दूसरों के गुणों को अपनाएं। हंस के बच्चे ने कौवे का घमंड कैसे चूर किया, पाठ 14 कौन जीता कहानी में पढ़ेंगे। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था। घमंडी का अर्थ होता है अभिमानी, अपने को ज़्यादा महत्व देना। एक दिन सुबह सुबह तीन हंस बरगद के नीचे आकर बैठ गए। उनको देखकर कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? हंस बोला, भाई हम हंस हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं। मानसरोवर बच्चों आप सब जानते हैं, कैलाश मानसरोवर का नाम आपने सुना है, जो हिमालय पर्वत के नीचे है। एक झील का नाम है मानसरोवर। तो थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। कौवा फिर बोला, तुम लोग उड़ना भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ाने जानता हूँ, दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। हंसों में से एक अभी बच्चा ही था, उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भैया मुझे तो केवल एक ही उड़ान आती है, अगर उड़ना चाहो तो उड़ लो। कौवे ने कहा, बस एक ही उड़ान? खैर उसे ही देखूंगा। दोनों गंगा नदी के ऊपर उड़ने लगे, कौवा आगे आगे, हंस का बच्चा पीछे पीछे। बच्चों चित्र में देखो, दोनों उड़ते रहे उड़ते रहे। कौवा हंस के बच्चे से बोला, क्यों थक गए क्या? हंस के बच्चे ने कहा, नहीं उड़ते चलो। आखिर कौवा उड़ते उड़ते थक गया, उसका दम फूलने लगा। अब तो वह नदी में गिरने को हुआ। हंस के बच्चे ने हंसकर पूछा, 50 तरह की उड़ानों में से यह तुम्हारी कौन सी उड़ान है? कौवा बोला, भैया मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है? हंस के बच्चे को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर वह बोला, अब मेरी उड़ान देखो। हंस का बच्चा कौवे को लेकर बहुत ऊंचा उड़ गया। पीठ पर बैठा कौवा डर के मारे कांपने लगा। उसने तो अभी तक बरगद के आसपास ही चक्कर लगाए थे। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, भैया मुझे तो जल्दी से बरगद पर पहुंचा दो, फिर तुम उड़ान भरना। हंस का बच्चा बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कौवा कुछ ना बोला। अंत में हंस का बच्चा बरगद की ओर लौट पड़ा। कौवा झट से उड़कर बरगद की डाल पर चुपचाप बैठ गया। कौवे को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना?
और इस पाठ से हमने सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, साथ ही दूसरों के गुणों को हमें अपनाना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, हंस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, हंस मानसरोवर से आकर बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कौवे ने हंसों से क्या कहा? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है, कौवे ने हंसों से कहा कि तुम लोग उड़ना भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ाने जानता हूँ, दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। अगला प्रश्न है बच्चों, हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती क्यों स्वीकार की? इसका उत्तर है, हंस का बच्चा कौवे के घमंड को तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने कौवे को सबक सिखाने के लिए चुनौती को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, उड़ान के अंत में कौन जीता? बताओ बताओ, क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, उड़ान के अंत में हंस के बच्चे की जीत हुई और कौवे की हार हुई। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पानी, रात, हवा, कमल, नदी, इन शब्दों के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बच्चों, पानी का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल सही, नीर और जल। रात का पर्यायवाची क्या होगा? निशा, रजनी। और हवा का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, पवन, समीर। और कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, जलज। और बच्चों, नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता, तनुजा। अगला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क, घमंडी का अर्थ है, अ, अच्छा, ब, अभिमानी, स, खराब, द, बुद्धिमान। तो सही क्या होगा? अभिमानी। अगला है ख, नदी का नाम है, अ, गंगा, ब, सरोज, स, कविता, द, ममता। बताओ बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, नदी का नाम है गंगा। अगला है कापना का अर्थ है, बच्चों इसके विकल्प दिए गए हैं, अ, तेज दौड़ना, ब, जल्दी जल्दी सांसें भरना, स, कपकपी, और द, गर्मी लगना। तो सही विकल्प क्या होगा? कपकपी। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद नहीं की होती तो कौवे की क्या दशा होती? बच्चों, जरा सोच कर अपनी कॉपी में लिखो। दूसरा गृह कार्य है, तुम्हें अपने दोस्त में कौन से गुण अच्छे लगते हैं? लिखो। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कौवे और हंस का चित्र बनाकर रंग भरो। और अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? लिखो। तो बच्चों, आज यहीं तक, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।